तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन में कैमरा को ओपन करते हैं तो यहां पे लिखा रहता है कांट कनेक्ट टू द कैमरा। तो अगर आपको इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है। और गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैमरा लिख के सर्च करना है कुछ इस तरीके से। सिंपल से आप जो है कैमरा लिख के सर्च करिए और उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको स्टोरेज पर जाना है और इसका डाटा आपको क्लियर कर लेनी है। तो आपको इसका डाटा सिंपली से क्लियर करना है गाइस और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको जो है अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेनी है। हो सकता है आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो तो आप अगर रिस्टार्ट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और गाइस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को एक बार पावर ऑफ करके देखना है। तो पावर ऑफ जैसे ही करेंगे और उसके बाद फिर से ऑन करेंगे, पावर ऑन करेंगे तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अदरवाइज़ अगर आपके फ़ोन में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है जो कि बहुत सारे रेडमी के फ़ोन में आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर आपके फ़ोन में आता है सॉफ्टवेयर अपडेट तो आप जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए गाइज अपने फ़ोन में। उसके बाद आपके फ़ोन में नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।